आज जो चीज हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज दी आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस। इससे प्रीवियस टॉपिक में जो हमने स्टडी किया था बेसिस, अब बेस का अगर आपके पास कॉन्सेप्ट हो अपनी प्रीवियस क्लासेस का डेवलप हुआ हुआ, तो बेस वो चीज़ होती है जो कि आपके पास प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। अगर आप अपनी मैट्रिक क्लासेस की एसिड और बेस की डेफिनेशन को स्टडी करें, तो एसिड होता था जो कि आपके पास प्रोटॉन को डोनेट करता था, प्रोटॉन डोनर, और बेस वो स्पीशी होती थी जो कि आपके पास किसी भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। अब आयनाइजेशन कांस्टेंट उसी तरह होगा जैसे कि हमने के ए एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट डिसाइड किया था, पढ़ा था, उसी तरह आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा बेसिस का, जिसको हम के बी से लिखेंगे। और ये हमें बताएगा कि किसी भी बेस की एबिलिटी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बेस वन है और एक बेस टू है। अब इन दोनों को अगर प्रोटॉन इन मौजूद हो इनके नजदीक, तो हो सकता है कि बेस वन इसको फौरन से पहले एक्सेप्ट कर ले और बेस टू इसको फौरन एक्सेप्ट ना करे, स्लोली जो है उसको वो एक्सेप्ट करे। तो उसकी एबिलिटी बेस टू बेस डिफरेंट होगी। किसी भी बेस की, मतलब तमाम बेस की एबिलिटी जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, वो सेम नहीं होगी। वो बेस टू बेस वेरी करेगी। और वो हमें कैसे पता लगेगा कि बेस ए की क्वांटिटी या बेस वन की एबिलिटी ज़्यादा है या बेस टू की एबिलिटी ज़्यादा है? वो हमें ये चीज़ जो है के बी, जिसको हम आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेसिस कहते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है, वो हमें ये बताता है कि कौन सी चीज़ जो है हमें, कौन सी बेस जो सी है वो ज़्यादा एबिलिटी रखती है किसी भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। अब वो आपके बुक में कुछ एग्जांपल्स की बात करता है। फॉर एग्जांपल अमोनिया की हम बात करते हैं। अमोनिया, इसका जब एक्वस सॉल्यूशन हम बनाते हैं और वाटर की मौजूदगी में, ये क्या करता है कि अमोनिया जो है ये बेस के तौर पे काम करती है। ये वाटर स्प्लिट होगा एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव में। ये वाटर जो है एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव में स्प्लिट होगा। ये एच पॉजिटिव जो है ये NH3 एक्सेप्ट करेगी, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, और ये बन जाएगी NH4O पॉजिटिव। और साथ आपके जो है ओ एच नेगेटिव जो है वो आयन निकल आएगा। दोनों एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में होंगे। तो इसने क्या किया अमोनिया ने, अमोनिया हैज एक्टेड एज अ बेस दैट इट हैज एक्सेप्टेड, व्हाट एक्सेप्टेड अ प्रोटॉन। तो ये हमारे पास NH3 क्या है, बेस है। सिमिलरली आपके पास कार्बोनेट आयन की बात करता है, CO3 2 माइनस, ये एक कार्बोनेट का आयन है। ये जब वाटर के अंदर मौजूद होगा तो वाटर उसी तरह से स्प्लिट अप होगा एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव के अंदर। ये जो कार्बोनेट आयन है ये वर्क करेगा एज अ बेस एंड इट विल एक्सेप्ट दी प्रोटॉन। ये जो प्रोटॉन वाटर ने स्प्लिट किया ये इसको एक्सेप्ट करेगा, और आपके पास ये कार्बोनेट से बाई कार्बोनेट आयन जो है वो बन जाएगा। पहले -2 चार्ज था, अब -1 चार्ज आ जाएगा, और साथ आपके पास जो है वो ओ एच नेगेटिव का आयन रिलीज हो जाएगा। तो दिस इज आल्सो अ बेस। तो ये बेसिस होती हैं जो कि हमारे पास वाटर की मौजूदगी में प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती हैं। अब इनकी एबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग दिस प्रोटॉन जो है वो डिफरेंट होगी। अमोनिया की कुछ और होगी, कार्बोनेट आयन की कुछ और होगी। और वो हमें कैसे पता चलेगा, वो वैल्यू हमें बताएगी के बी से, जो कि क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस है। अब
यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब हम उसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास के बी जो है उसको हमने डेवलप कैसे करना है। सेम वही प्रोसीजर है जो हमने डेवलप किया था ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द के एनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड्स। हम सपोज करते हैं कि वी हैव अ बेस बी, ये आपके पास वाटर की मौजूदगी में रिवर्सिबली रिएक्ट करेगी, बना देगी बी एच पॉजिटिव प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके, और साथ में आपके पास ओ एच नेगेटिव जो है वो रिलीज कर देगी। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ बेस इन टू द वाटर। अब इसका अगर मैं के सी लिखूँ, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट लिखूँ, तो दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स में दो चीज़ें हैं, बी एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और ओ एच नेगेटिव की कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट्स में भी हमारे पास दो चीज़ें हैं, बेस की कंसंट्रेशन एंड दी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू के सी की। अब हम उसी तरह अपनी जो सी है एजम्पशन को इस्तेमाल में लाएंगे जो हमने प्रीवियस टॉपिक में भी की थी, वो ये थी कि जो टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम के ऊपर वाटर की कंसंट्रेशन है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विच वॉज टेकन एट द इनिशियल स्टेज। तो इनिशियल कंडीशंस की मौजूदगी में जो आपके पास वाटर की कंसंट्रेशन थी वो ऑलमोस्ट सेम होती है एट द टाइम इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को, इस पैरामीटर को कांस्टेंट करार दे देंगे और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन वाज के सी इज इक्वल टू बी एच पॉजिटिव इंटू ओ एच नेगेटिव डिवाइडेड बाय बी इंटू एच टू ओ। ये एच टू ओ की कंसंट्रेशन चूंकि हमने कांस्टेंट करार दे दी है और ये कांस्टेंट के करीब करीब ही होती है, तो हम इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। के सी भी कांस्टेंट है और एच टू ओ भी कांस्टेंट है, और ये बराबर हो जाएगा बी एच पॉजिटिव इंटू दी ओ एच नेगेटिव डिवाइडेड बाय बी। अब ये सारी जो सी टर्म है ये जो है इसको मैं कह देता हूँ दिस इज इक्वल टू दी के बी, जो कि क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस। और इसका फॉर्मूला होता है बी एच पॉजिटिव और साथ में ओ एच नेगेटिव इनकी कंसंट्रेशंस और डिवाइडेड बाय दिस इज आल्सो अ कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन आ गई है के बी की, किसी भी बेस की जो है वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट जो है आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला। अब हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हो, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बेस मौजूद हो और पी ओ एच मौजूद हो, तो हमारे पास किसी भी बेस का के बी हम निकाल सकते हैं। अब सिमिलरली उसी तरह से हमारे पास जो के बी की वैल्यूज़ हैं वो हमें बताती हैं कि ये आपके पास एसिड जो है या बेस जो है, सॉरी, वो आपके पास वीक बेस है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है। सेम उसी तरह जैसे हमारे पास के ए की वैल्यू हमें एसिड्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो देती थी। तो जैसे जैसे आपके पास के बी की वैल्यू लेस होगी, के बी की वैल्यू अगर आपके पास लेस होती जा रही है तो आपके पास जो बेस है वो वीकर होती जा रही है, और जैसे जैसे के बी की वैल्यू हाई हो रही है आपके पास बेस जो है वो स्ट्रोंगर होती जाती है। तो सिमिलरली जैसे हमारे पास के ए की वैल्यू ज़्यादा होने से स्ट्रोंग एसिड और के ए की वैल्यू कम होने से वीक बेस एसिड बनता था, इसी तरह के बी की वैल्यू कम होने से वीक बेस और के बी की वैल्यू हाई होने से स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास डेवलप हो जाएगी। सिमिलरली आपके बुक में एक टेबल भी जो है वो गिवन है जो कि मेन मेन आपके पास जो बेसिस हैं जैसे कि एन ए ओ एच हो गया, के ओ एच, दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस
फिर आपके पास आ जाती हैं थोड़ी सी नॉर्मल बेसिस जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और फिर आपके पास बहुत ही ज़्यादा जो सी हैं वो वीक आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि आपके पास आपकी बुक में भी गिवन है CH3NH2, इसको कहते हैं मिथाइल अमाइन। दिस इज़ अ वेरी वीक बेस जिसके जो सा आपके पास के बी है वो 10^-4 की रेंज में है। तो जितनी वैल्यू के बी की कम होती जाएगी आपके पास जो बेस है वो वीकर होती जाएगी। यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास वो डेवलप हो गया अबाउट द के ए एंड द के बी थिंग। अब अगर इसको आपने स्टडी किया है तो आपने देखा है कि ये जो वैल्यूज होती हैं दे आर इन द टर्म्स ऑफ माइनस में, मतलब 10^-3 है, 10^-10 तक जाती हैं, 10^-6 है। तो इफ इन वैल्यूज को, ये जो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज होती हैं इनको हम जो है ख़त्म करने के लिए और इनको कन्वर्ट करने के लिए होल नंबर्स के अंदर, ताकि हमारे पास कॉन्सेप्ट जो सा है उसको लिखने में आसानी हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसी तरह पी के ए और पी के बी ले लेते हैं। जैसे अगर आप अपने आयनिक प्रोडक्ट वाले टॉपिक को रिकॉल करें तो उसमें क्या होता था, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो थी वो 10^-7 आई, फिर हमने क्या किया, हमने पी एच ले लिया। पी एच क्या होता था, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, तो माइनस लॉग लेते थे तो ये वैल्यू खत्म होके होल नंबर में आ जाती थी 7। इसी तरह हम क्या करते हैं, पी के ए और पी के बी भी ले लेते हैं, और जब भी पी के आता है दैट मीन्स पी के साथ हम क्या करते हैं, माइनस लॉग ऑफ दैट वैल्यू। के ए का पी है तो के ए, और ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ के बी। तो के ए की वैल्यूज जो चूंकि इन टर्म्स में आ रही होती हैं, इनको होल नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम ये नई टर्म्स जो सी हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ताकि हमारे पास उनको नोट करने में और किसी भी जगह पे इस्तेमाल करने में जो है वो आसानी हो। जैसे हमने जब के डब्ल्यू डिफाइन किया था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो उसका जो के डब्ल्यू था उसका भी हमने माइनस लॉग जब लिया के डब्ल्यू का, तो हमारे पास जो टर्म आई वो पी के डब्ल्यू थी। तो दिस इज वाई वी टेक दीज टर्म्स पी के की टर्म्स में, ताकि हमारे पास नंबर जो सा है वो होल नंबर आ जाए, और इनका जो रिलेशन बनता है वो फिर अब उल्टा हो जाता है। पी के ए की वैल्यू जो है वो जितनी लार्ज होगी एसिड जो है वो क्या होगा, उतना वीक होगा। पी के ए की वैल्यू बढ़ाई जाओ, वीकनेस उसकी जो सी है वो बढ़ती जाएगी, वो ज्यादा वीक होता जाएगा। और पी के ए की वैल्यू जितनी कम होगी, लेस वैल्यू होगी आपके पास एसिड जो है वो उतना ही स्ट्रोंग होगा। सिमिलरली अगर आप बेस की बात करते हैं तो उस केस में भी ये ट्रेंड जो सा है वो सेम है। अब एक और चीज़ जो आपके पास याद रखने के लिए ज़रूरी है और आपकी बुक में भी वो मेंशन कर रहा है, वो है जी द डिफरेंस ऑफ पी के। डिफरेंस ऑफ पी के ए ऑफ बिटवीन टू एसिड्स, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक एसिड ए है, एक एसिड बी है, इसका जो पी के ए है वो क्या है, आपके पास टू है, और जो पी के ए बी का है वो मेरे पास थ्री है, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा 3 - 2 इज इक्वल टू 1। वो कहता है जी कि अगर आपके पास द डिफरेंस ऑफ टू ऑफ द पी के ए ऑफ टू डिफरेंट एसिड इज इक्वल टू 1, अगर उसका डिफरेंस जो है वो 1 हो, तो एसिड विद स्मॉलर पी के ए, जो ए एसिड है जिसकी स्मॉलर पी के ए वैल्यू है, वो क्या होगा, इज 10 times स्ट्रोंगर देन बी, दूसरे वाले से वो 10 times स्ट्रोंगर होगा जिसकी पी के ए की वैल्यू कम होगी। सिमिलरली वो कहता है जी कि अगर आपके पास सी और डी दो एसिड हैं और इसकी पी के ए की वैल्यू 20 है और इसकी पी के ए की वैल्यू 30 है, और वो कहता है जी कि अगर दो एसिड्स का जो डिफरेंस है पी के ए की वैल्यूज का वो 10 है, तो फिर आपके पास क्या होगा,
जो स्मॉल वैल्यू है जिसका पी के ए कम है सी, वो क्या होगा फिर? अब 100 टाइम्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा देन डी। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि एक यूनिट से वो 10 टाइम्स का फर्क जो है वो आता है, और इसका रिलेशन उल्टा होता है। पी के ए की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो एसिड की वीकनेस क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट, एंड पे उसने जनरलाइज कर दिया पी के ए और पी के बी की वैल्यूज को। तो यहाँ तक हमारे पास के ए और के बी की वैल्यूज जो होती हैं वो हम समझ सकते हैं, और इनकी इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि जो अगले आने वाले टॉपिक्स हैं उनमें फिर हम इनकी वैल्यूज को डायरेक्ट अपनी इक्वेशन में पुट करके मजीद डेफिनेशन और मजीद जो हैं वो चीज़ें स्टडी करेंगे। तो दिस वॉज द टूडेज टॉपिक अबाउट द आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेसिस।